हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। और आज यहां पर हम देखने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो मैच होने वाला है उसकी टीम देखेंगे, पिच कंडीशन देखेंगे और फिर ड्रीम इलेवन की टीम बनाएंगे। तो यहां पर आपको बता दूं जो पिच कंडीशन है, यहां पर सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल मैच खेला हुआ है और ये न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया के बीच में था और ये 2016 का है। और आप देख सकते हैं 167-166 के आसपास का यहां पर स्कोर हुआ था, बट रिकॉर्ड 2 साल पुराने हैं। तो अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो 155-170 के आसपास आप मान सकते हैं स्कोर हो सकता है इस रेंज में। और वहीं बात करें अगर दोनों ही टीमों की, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे। यहाँ पर आपको बता दूं केदार यादव जो कि इंजर्ड हो गए थे वो नहीं खेलेंगे इस मैच में। इसके अलावा डुप्लेसी की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो उसका आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी जो प्रोबेबल इलेवन हो सकती है उसमें यहाँ पर आपको बता दूं मुरली विजय आएंगे, ये पिछले मैच में रिब इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, ट्रेनिंग में थोड़े से इंजर्ड हो गए थे तो नहीं खेल पाए थे और उस वजह से इनको बाहर किया गया था। तो यहाँ पर ये वापसी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुरली विजय, शेन वॉटसन ओपनिंग करेंगे चेन्नई की टीम के लिए। फिर सुरेश रैना आएंगे, सुरेश रैना का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, रन भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं IPL में और पिछले मैच में फेल हो गए थे, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिर अंबती रायडू हैं, ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं। फिर MS धोनी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर धोनी खुद को प्रमोट भी कर सकते हैं। ये फिलहाल थर्ड डाउन जा रहे हैं, ये सेकंड डाउन भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर रविंद्र जडेजा हैं, डॉन ब्रावो हैं। ब्रावो का मैं आपको बता दूं हर बार ये नहीं चलने वाले, बिकॉज अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तभी इनकी बैटिंग आ पाती है। बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं नो डाउट, बट बैटिंग में आपको बता दूं बैटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने। तो आप इनको हर बार ये सोच के कैप्टन नहीं बना सकते कि हर बार स्कोर करेंगे या आपको पॉइंट दिलाएंगे, वो तभी स्कोर कर पाएंगे जब ऊपर की टीम फेल हो जाएगी, ठीक है। तो इनको आप अपनी टीम में चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। बाकी फिर दीपक चाहर, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी पिछले मैच में, अगर आप देखें तो सारे ही बॉलर्स में सबसे अच्छी इकोनॉमी दीपक चाहर की थी, तो इस मैच में भी इनको खिलाना चाहिए। फिर हरभजन सिंह है, यहाँ पर मार्क वुड की बहुत बेकार इकोनॉमी थी पिछले मैच में और मेरे हिसाब से मार्क वुड की जगह पे कोई आ सकता है, और अगर वो आते हैं तो फास्ट बॉलर की जगह पे एक फास्ट बॉलर ही खिलाएगी मेरे हिसाब से टीम, तो नगीड़ी आ सकते हैं। आपको बता दूं इस पिच पर स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, तो यहाँ पर इमरान ताहिर को पिछले मैच में इनकी इकोनॉमी भी खराब थी, बट मेरे हिसाब से इनको खिलाना चाहिए बिकॉज यहाँ पर स्पिनर्स को फायदा मिल सकता है। तो इमरान ताहिर के रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं पिछले मैच का, अगर आप छोड़ दें रिकॉर्ड तो ये हर मैच में अगर इनका कुछ रिकॉर्ड है 54-52 मैच इन्होंने टोटल खेले IPL में, जिसमें से 17 मैचों में इनने हर बार 2 विकेट से ज़्यादा निकाले हैं, यानी कि 3 या 4 विकेट इन्होंने निकाले हैं 17 मैच में 54 में से। तो इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इमरान ताहिर का, पिछले मैच में नहीं चले, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको इग्नोर कर दें। तो ये हो गई बात चेन्नई की टीम की। फिर बात करती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की, तो यहाँ पर क्रिस लेन और सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे। आपको बता दूं सुनील नारायण बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिन को, और स्पिन के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। और अगर इन दोनों प्लेयर्स की बात करें तो इन दोनों का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है टीम में, तो ये ओपन करेंगे। तो आप इनको एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाएं अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो, बिकॉज ये प्लेयर ऐसे अगर चल गए तो बहुत ज़्यादा रन भी बना सकते हैं। क्रिस लेन को आप जानते हैं T20 की बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, सुनील नारायण पिछले मैच में अपने आप को प्रूव भी किया, तो ये दोनों प्लेयर को आप जरूर ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। फिर रॉबिन उथप्पा आएंगे, नितेश राणा आएंगे। नितेश राणा को लेने का फायदा ये है, ये 1-2 ओवर बॉलिंग करा लेते हैं, 2 ओवर के आसपास बॉलिंग कराते हैं और इफेक्टिव बॉलर हैं, 1-2 विकेट भी निकाल लेते हैं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करने आते हैं, तो आपके लिए मस्ट पिक होंगे। नितेश राणा मुंबई की टीम से खेलते थे पिछले साल तक और अब यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। फिर दिनेश कार्तिक हैं जो कि कैप्टनसी विकेट कीपिंग दोनों करेंगे, तो आपके लिए मस्ट पिक होंगे। आप चाहें तो धोनी को भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कार्तिक को भी ले सकते हैं, दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, दोनों की बैटिंग ऑर्डर लगभग सेम है। फिर यहाँ पर मैं आपको बता दूं धोनी स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं, कार्तिक खेल लेते हैं, तो आप कार्तिक को भी ले सकते हैं, धोनी को भी आपका डिसीजन होगा लास्ट। फिर रिंकू सिंह है, और रिंकू सिंह के बारे में आपको बता दूं इनका जो रिकॉर्ड है ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो T20 मैच में हाईएस्ट 35 रन है इन्होंने बनाए हैं और कुछ इन्होंने 28 मैच खेले हैं 28 या 25 मैच के आसपास, तो उतने इफेक्टिव प्लेयर नहीं है, बॉलिंग भी नहीं कराते हैं, एक आध विकेट निकाला है इन्होंने 35 मैच में, एक आध बॉलिंग कराई होगी 1-2 ओवर, तो उतने इफेक्टिव प्लेयर रिंकू सिंह नहीं है। फिर आंद्रे रसल हैं, पीयूष चावला हैं, आंद्रे रसल मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर लेते हैं, फिर पीयूष चावला हैं, मिशेल जॉनसन हैं, कुलदीप यादव हैं, पिछले मैच में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था कुलदीप ने, बट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं मेरे हिसाब से, टीम इनको नहीं छोड़ सकती। फिर यहाँ पर विनय कुमार की इकोनॉमी बहुत खराब गई थी पिछले मैच में, 2 विकेट निकाले थे नो डाउट, 2 विकेट निकाले थे, बट इकोनॉमी बहुत बेकार थी, इन्होंने 2 ओवर में 2 विकेट निकाले थे बस, बट इन्होंने 30 रन दिए भी थे, तो इकोनॉमी इनकी 14-15 के आसपास की थी। तो मेरे हिसाब से इनकी जगह पे या तो कमलेश नागरकोटी को लाएंगे जो कि बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, या फिर शिवम मावी को ला सकते हैं, तो विनय कुमार की जगह क्रिटिकल है। तो ये तो हो गई टीम न्यूज़ और स्क्वाड देख प्लेइंग इलेवन हमने प्रोबेबल देख ली है, और अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन की टीम की, देख लेते क्या हम टीम बना सकते हैं। तो गाइस बात करें यहाँ पर हम ड्रीम इलेवन की टीम की, तो यहाँ पर मैंने
तीन टीमें बनाई हुई हैं जिसमें से ये दो टीमें रिस्की हैं, बट ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए बेस्ट टीम साबित हो सकती हैं, और ग्रैंड लीग के लिए स्पेशली ये मैंने टीम क्रिएट की हुई है। और बात करें अगर स्मॉल लीग की, तो ये टीम मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। तो टीम वन देख लेते हैं स्मॉल लीग के लिए, और बाकी ग्रैंड लीग के लिए ये नीचे की दो टीमें आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट टीम की, तो ये स्मॉल लीग के लिए है। बात करेंगे यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एम एस धोनी, दिनेश कार्तिक, दोनों ही सेम बैटिंग ऑर्डर लगभग लगभग सेम है और सेम पोजीशन पर बैटिंग करते हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ क्रेड भी सेम है। इसके अलावा एम एस धोनी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्पिन के खिलाफ, ठीक है, तो ये जल्दी आउट हो सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से कार्तिक बेस्ट रहेंगे। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, तो बैटिंग सेक्शन में आज सुरेश रायना, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है T20 में, इनको मैं ले रहा हूँ। क्रिस लेन, जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है। डुप्लेसी की अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है, पिछले मैच में इंजर्ड थे, फिंगर इंजरी थी इनको, अगर कोई न्यूज़ आती तो मैं आपको बता दूंगा। फिर रॉबिन उथप्पा है, अंबती रायडू को आप ले सकते हैं, यहाँ पर मैं मुरली विजय, रॉबिन उथप्पा को ले रहा हूँ, आप अंबती रायडू को भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से नितेश राणा को ले रहा हूँ, इनको लेने का मकसद मेरा ये है बिकॉज ये बॉलिंग भी करा लेते हैं और इफेक्टिव बॉलिंग कराते हैं, एक दो विकेट निकाल लेते हैं। इसके अलावा बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, मुंबई के लिए पिछले मैच में बहुत ज़्यादा रन इन्होंने दिए थे, मुंबई की तरफ से खेलते थे तो बहुत ज़्यादा रन इन्होंने इंक्लूड किए थे टीम के लिए, और हर मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, इसलिए मैं इनको यहाँ पर ले रहा हूँ, ग्रैंड लीग में कैप्टन भी बनाऊंगा। इसके अलावा केदार जाधव नहीं है, इनको मत लीजिएगा, इंजर्ड हो गए थे पिछले मैच में तो नहीं खेलेंगे। और फिर यहाँ से और कोई ऑप्शन ज़्यादा अच्छे हैं नहीं आपके पास, और रिंकू सिंह को आप ले सकते हैं बट बॉलिंग नहीं कराते हैं और बैटिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। कभी कभार ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई जरूर करें बिकॉज ग्रैंड लीग का कोई भरोसा नहीं है। अगर यही प्लेयर मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग करता है, अगर ये 50-60 रन मार दे तो आपको ग्रैंड लीग विन करवा सकता है, बट ऐसा होना थोड़ा सी कम चांसेस है, तो रिस्की ऑप्शन रहेगा आपके लिए। बट आप देख सकते हैं अगर ये 50-60 रन मार देता है तो इनको देख लीजिए आप कितने परसेंट लोगों ने लिया है। तो ग्रैंड लीग अगर आपको विन करनी है तो कुछ एक्सपेरिमेंट तो करने होंगे, और बाकी मैंने आपको बता दिया बॉलिंग नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की ऑप्शन होंगे। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से शेन वॉटसन को ले रहा हूँ, सुनील नारायण को ले रहा हूँ, इनको लेने का मकसद ये है दोनों ही अपनी टीम के लिए ओपनिंग करते हैं प्लस बॉलिंग भी करा लेते हैं, तो मस्ट पिक होंगे, इनको तो आपको लेना ही है। इसके अलावा ब्रावो को ले सकते हैं, ब्रावो को मैंने नहीं लिया है बिकॉज ब्रावो बैटिंग करने थोड़ा नीचे आते हैं, अगर ये थोड़ा ऊपर आते तो मैं इनको पिक भी कर लेता, बट मेरे हिसाब से आप इनको ना ले तो बेस्ट रहेगा। ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, लास्ट चॉइस आप ही की रहेगी। आंद्रे रसल आपके लिए एक और चॉइस है, तो चार चॉइस यहाँ से बहुत अच्छी है। इसके बाद जडेजा से पिछले मैच में सिर्फ एक ओवर कराया था और इनकी बैटिंग भी बहुत नीचे आती है, तो मैं इनको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ टीम में। ग्रैंड लीग में जरूर आप कंसीडर कर सकते हैं, इसके अलावा पीयूष चावला को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से बेस्ट ऑप्शन आपके शेन वॉटसन, सुनील नारायण होंगे, उसके बाद रसल और ब्रावो होंगे, ठीक है। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर स्पिनर को हेल्प मिल सकती है पिच पे, तो इमरान ताहिर को आप ले सकते हैं, बट क्रेड की प्रॉब्लम की वजह से मैंने इनको छोड़ा है। यहाँ से मैं कुलदीप यादव को ले रहा हूँ, मुझे लगता है इस मैच में ये कुछ 2-3 विकेट निकाल सकते हैं, अच्छे बॉलर हैं, कभी कभी फेल हो जाते हैं, हर बॉलर फेल हो जाता है, बट मुझे लगता है इस मैच में कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो कुलदीप यादव को मैं ले रहा हूँ अपनी टीम में। आप ताहिर को ले सकते हैं, हरभजन सिंह को आप ले सकते हैं, मार्क वुड की इकोनॉमी बहुत खराब थी पिछले मैच में, तो मुझे लगता है इनको बाहर करके नगेड़ी को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ से फिर मिशेल जॉनसन है, इनको आप ले सकते हैं, मैं ले रहा हूँ इनको। फिर विनय कुमार की इकोनॉमी बहुत खराब थी पिछले मैच में, तो इनको भी बाहर किया जा सकता है, और इनकी जगह पे या तो नागरकोटी आएंगे या मावी आएंगे, मेरे हिसाब से नागरकोटी आने चाहिए। और फिर दीपक चाहर को ले, जिनकी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी थी पिछले मैच में, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था दीपक चाहर ने, अगर आप इनकी इकोनॉमी देखें सबसे अच्छी इकोनॉमी थी। फिर यहाँ पर नगेड़ी के चांसेस हैं, नगेड़ी तभी खेल सकते हैं अगर मार्क वुड को हटाया जाए, क्योंकि दोनों ही फास्ट बॉलर हैं, बट मेरे हिसाब से नगेड़ी को खिलाना चाहिए अगर अवेलेबल है। पिछले अगर आप रिकॉर्ड्स देखें नगेड़ी के उठा के, तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम के लिए, तो मेरे हिसाब से इनको खिलाना चाहिए इस मैच में, और नागरकोटी के हाई चांसेस है खेलने के, तो सेव करते हैं टीम को, देखते हैं आपके लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन क्या हो सकते हैं। तो बेस्ट कैप्टन आपके लिए मेरे हिसाब से सुनील नारायण होंगे और वाइस कैप्टन शेन वॉटसन होंगे, बिकॉज सुनील नारायण बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करा लेते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन की, सेम विद शेन वॉटसन, ठीक है। तो दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के लिए। ग्रैंड लीग में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो क्रिस लेन आपके लिए अच्छे ऑप्शन है, नितेश राणा अच्छे ऑप्शन है। इसके अलावा जो ओपनिंग करते हैं जैसे कि मुरली विजय हो गए, और सुरेश रैना का आपको पता है कितना अच्छा रिकॉर्ड है T20 का, पिछले मैच में फेल हो गए थे बट बड़ा कर सकते हो। दिनेश कार्तिक का भी आपने देख लिया था बांग्लादेश के खिलाफ कितने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ये कुछ ऑप्शंस आपके पास ग्रैंड लीग के लिए, उथप्पा भी इसमें से एक होंगे, तो ग्रैंड लीग में आप कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो दीपक चाहर, जिनको बहुत कम लोगों ने कैप्टन बनाया होगा, और कुलदीप यादव, इनको आप कैप्टन बना सकते हैं ग्रैंड लीग में, बाकी स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में इनको भी कैप्टन बना सकते हैं, तो सेफ ऑप्शन आपके लिए ये रहेंगे स्मॉल लीग के लिए, बाकी ग्रैंड लीग में आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो, सेफ करते टीम को। तो ये मेरी टीम है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल लीग के लिए, और ये नीचे की दो टीमें ग्रैंड लीग के लिए, तो इनको आप रख सकते हैं अपने आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़े से चेंजेस जरूर कर लें टीम में, बट मेरे हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन सही है ग्रैंड लीग के हिसाब से। और अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक दूसरी साइड के बारे में, तो उस पर हम कैसे विन कर सकते हैं देख लेते हैं।
थोड़ा इस बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडस गेम्स की, तो आपको बता दूं इस साइट पे जब आप मेरा रेफरल कोड डालेंगे उसके बाद आप जब फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, आप जो भी मनी ऐड करेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको 100% कैशबैक मिलेगा, यानी ₹250 तक का आपको 100% कैशबैक मिलना है अगर आप मेरा रेफरल कोड डाल के फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, सिर्फ फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए वैलिड होगा, और ₹250 पे कैशबैक, यानी कि टोटल ₹500 आपके अकाउंट में हो जाएंगे। तो इस ऑफर का आप फायदा जरूर उठाएं, और यह सिर्फ पहले डिपॉजिट के लिए 100% कैशबैक अप टू ₹250। और अब यहाँ पर हम टीम बना लेते हैं, और आपको पता है यहाँ पर बॉलर्स को थोड़ा फायदा मिलता है इंडस गेम्स पे, और यहाँ पर मिडिल ओवर के थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं और इकोनॉमी के भी मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से टीम बनाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पर आपका दो ऑप्शन है, दिनेश कार्तिक, एम एस धोनी, दिनेश कार्तिक को हम लेंगे। बैटिंग सेक्शन में यहाँ से जो मैं प्लेयर्स ले रहा हूँ उसमें नितेश राणा को ले रहा हूँ, क्रिस लिन को ले रहा हूँ, फिर यहाँ से मुरली विजय और सुरेश रैना को ले रहा हूँ, और इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, मैंने ड्रीम इलेवन में आपको बता दिए हैं। यहाँ पर फिर मैंने ऑलराउंडर सेक्शन से आंद्रे रसल को लिया है, शेन वॉटसन को लिया है, आप यहाँ से ब्रावो को ले सकते हैं, और पीयूष चावला को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, बट ऐसा बॉलर ओनली बॉलर, ठीक है, क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं तो बैटिंग आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो बॉलिंग तो कराएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से जॉनसन को लिया है, कुलदीप यादव को लिया है और सुनील नारायण को लिया है, बस यही कुछ प्लेयर लिए हैं, और दीपक चहर को लिया है, आप भी इनको ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें अगर ग्रैंड लीग आप खेलते हैं तो नगीडी को ट्राई कर सकते हैं, और नगीडी के अलावा यहाँ पर विनय कुमार, जिनकी इकोनॉमी पिछले मैच में खराब थी, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, बट मेरे हिसाब से इकोनॉमी खराब थी तो इनकी जगह कोई और प्लेयर भी आ सकता है, तो डाउटफुल रहेंगे। तो गाइस यहाँ पर टीम को सेव करते एक बार आपको टीम दिखा दूं, ये आप मेरी टीम देख रहे हैं, दिनेश कार्तिक, नितेश राणा, क्रिस लिन, मुरली विजय, सुरेश रायना, वॉटसन, आंद्रे रसल, जॉनसन, कुलदीप यादव, और इसके अलावा सुनील नारायण, दीपक चहर, तो ये मेरी टीम है। कैप्टन मैंने यहाँ पर कैप्टन में सेव करता हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन देखते हैं क्या आप बना सकते हैं, तो कैप्टन में यहाँ से नितेश राणा को बना रहा हूँ बिकॉज बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर लेते हैं, और वाइस कैप्टन की बात करें तो वाइस कैप्टन में सुनील नारायण को बना रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कैप्टन सुनील नारायण कर सकते हैं, वाइस कैप्टन नितेश राणा कर सकते हैं, इसके अलावा शेन वॉटसन भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो ये तीन चार ऑप्शन आपको दे रहा हूँ इस साइड के लिए, नितेश राणा, शेन वॉटसन, सुनील नारायण आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, इसके अलावा कुलदीप यादव को आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करें। तो सेव करते हैं टीम को, और अगर आप अभी तक इंडस गेम्स पे नहीं तो मेरा रेफरल कोड यूज करके आ सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको विन करना है और कैसे वो डिपॉजिट बोनस आपको लेना है, ₹250 पे आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो गाइस खत्म करते हैं हमारा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ही लाइक कीजिए, और इसके अलावा आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर मैच की अपडेट टाइम पर मिलती रहे। ओके गाइस, बाय।